अब आ जाओ समझ लेते हैं, ठीक है। ये जो दोनों वर्ड्स बच्चों हमने लिखे हैं स्पेशली, ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कंफ्यूजिंग तो है ही, वो तो तुम अपने आप ही जान गए होगे। अब देखो सबसे पहले समझते ही हैं क्या, ये जो स्पेशली है ना एस वाला, इसका मतलब होता है इन अ स्पेशल मैनर, एक ये एक इसका मीनिंग है, मतलब एक और भी मीनिंग होता है, एक इसका मतलब होता है फॉर अ स्पेशल पर्पस, तो इस एडवर्ब के ये दो मीनिंग है, ठीक है। अच्छा ई वाला स्पेशली है, पहले उसका भी मीनिंग बता देता हूं फिर हम समझ लेंगे। ई वाला स्पेशली का मतलब होता है पर्टिकुलरली, टू बी प्रिसाइज, अब आपको शायद थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कि इनका यूज हमें कैसे करना चाहिए। देखिए इन अ स्पेशल मैनर जो है ना, ये इसका मीनिंग है, ये हाउ का रिप्लाई है और ये एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, तो ये एस वाला स्पेशली जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, इसका यूज हम करते हैं सेंटेंस में तब जब हमें किसी काम के लिए ये बताना हो कि उसको कोई खास मैनर में किया गया, कोई खास तरीके से किया गया, हाउ का रिप्लाई होता है और इसका मीनिंग होता है इन ए स्पेशल मैनर। अच्छा इसका मतलब फॉर अ स्पेशल पर्पस भी होता है, तभी एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाता है, किसी काम को करने का रीजन बताता है कि उस काम को करने का रीजन क्या है, पर्पस क्या है, तो इसका यूज हम वाई के रिप्लाई में भी करते हैं। तो जब हम स्पेशली को यूज करते हैं हाउ के रिप्लाई में तो इसका मतलब ये होता है, जब हम स्पेशली को यूज करते हैं वाई के रिप्लाई में तो इसका मीनिंग ये होता है फॉर अ स्पेशल पर्पस, तो ये हाउ और वाई का रिप्लाई होता है। अब आ जाते हैं ई वाले स्पेशली पे, ई वाला स्पेशली जो है फोकसिंग एडवर्ब है, इसका यूज हम सेंटेंस में कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जिसको हम फोकस करना चाहते हैं उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं, इसका मतलब होता है पर्टिकुलरली, टू बी प्रिसाइज, जैसे हम कोई जनरल बात कर रहे हैं तो जनरल बात करते समय मान लो कोई पर्टिकुलर एग्जांपल है, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है, कोई पर्टिकुलर थिंग है जिसको हमें हाईलाइट एम्फसाइज करना है, तो उसके साथ में हम स्पेशली का यूज करते हैं, स्पेशली का मतलब पर्टिकुलरली, पर्टिकुलरली का मतलब विशेषकर, तो जब हमें किसी स्पेशल पर्टिकुलर विशेष पॉइंट को थिंग को मेंशन करना होता है तो हम इसका यूज करते हैं, ठीक ये बातें समझ में आई। अब अपने क्वेश्चंस पे जाइए, देखिए हमने लिखा आई हैव कम हियर कि मैं यहाँ आया हूँ टू मीट माय फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड से मिलने, तो दोस्तों से मिलना क्या है, पर्पस है, और यही स्पेसिफिक पर्पस है, इसी वजह से आया हूँ, किसी और पर्पस से नहीं आया हूँ, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ आने के पर्पस को बताना है, क्यों आया हूँ मैं यहाँ, आई हैव कम हियर, वाई वाई हैव आई कम हियर, तो वाई का रिप्लाई चाहिए, वाई का रिप्लाई चाहिए तो एस वाला स्पेशली लिख दो, आई हैव कम हियर स्पेशली टू मीट माई फ्रेंड्स, कि मैं यहाँ पर आया हूँ विशेषकर अपने दोस्तों को मिलने, तो इसका मतलब है ना फॉर ए स्पेशल पर्पस, एक स्पेशल पर्पस के लिए आया हूँ, क्या है पर्पस, टू मीट माई फ्रेंड्स, दोस्तों से मिलना। दूसरे में देखो, दूसरे में हमने लिखा ही इज फॉन्ड ऑफ मूवीज, कि मूवीज का वो दीवाना है, शौकीन बहुत मूवीज का, मूवीज उसे बड़ी अच्छी लगती हैं, तो अब हमने जैसे मूवीज टर्म कह दिया, तो मूवीज तो एक जनरल टर्म है, मूवीज तो बहुत टाइप की होती हैं, ठीक है, कॉमेडी मूवी, एक्शन मूवी, ड्रामा मूवी, ठीक है, साइंस फिक्शन मूवीज ऐसे होती हैं, तो कौन से टाइप की मूवीज इसे ज़्यादा पसंद है, तो हमने एक पर्टिकुलर टाइप यहाँ पे मेंशन कर दिया, कॉमेडी वंस, जो कॉमेडी मूवीज होती हैं वो इसे कुछ खास पसंद है, तो मूवीज जनरल हो गया और मूवीज में एक पर्टिकुलर टाइप हो गया कॉमेडी मूवीज, तो ये एक जो पर्टिकुलर टाइप है मूवीज का हमें इसको फोकस करना है, तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे ई वाला स्पेशली, स्पेशली कॉमेडी मूवीज, स्पेशली कॉमेडी मूवीज का मतलब पर्टिकुलरली, खास करके जो कॉमेडी मूवीज है उनका ज्यादा दीवाना है, ठीक, तो यहाँ पे ई वाला स्पेशली आ जाएगा। अगला देखो, दे हैव डिजाइन्ड इट, उन्होंने इसे डिजाइन किया है, हाउ, कैसे डिजाइन किया है, अब तरीका बताना है, यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके बताया, तो मेथड बताना है, मैनर बताना है कि उन्होंने इसको डिजाइन किया तो कैसे किया, हाउ का रिप्लाई चाहिए, हाउ का रिप्लाई चाहिए तो एस वाला स्पेशली लिख दो, दे हैव डिजाइन्ड इट, हाउ, हाउ हैव दे डिजाइन्ड इट, तो हाउ का रिप्लाई आएगा स्पेशली यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके, ठीक है, तो ये जो स्पेशली है ना इसका मतलब है इन अ स्पेशल मैनर, इसका मतलब है फॉर अ स्पेशल पर्पस, इसका मतलब है पर्टिकुलरली, तो जब हम सेंटेंस पढ़ के कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं ना सेंटेंस का कि ये कॉन्टेक्स्ट है, तो फिर अपने आप हमें पता चल जाता है कि कौन सा लिखना है कौन सा नहीं। चलो
फ्री और फ्रीली, ये दो क्वेश्चंस हो गए, दो ऑप्शंस हो गए, और ये तीन क्वेश्चंस हो गए। इस क्वेश्चन में आप कौन सा ऑप्शन यूज करोगे सोचो, सोच के फिर बताना भी। ये जो फ्री वर्ड होता है ना बच्चे, ये एडजेक्टिव भी होता है। जब ये एडजेक्टिव होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो फ्री वर्ड है ये एडजेक्टिव भी होता है और ये एडवर्ब भी होता है, और ये जो फ्रीली है ये केवल एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव। ये बात ध्यान, दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, ये जो फ्री एडजेक्टिव है ठीक है, इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट, इंडिया इज अ फ्री कंट्री, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, और इसका मतलब एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब एक और भी होता है मुफ्त, इसमें कहें कि विद नो कॉस्ट, बिना किसी कॉस्ट या प्राइस के मुफ्त, वो भी इसका मतलब होता है। फ्रीली का मतलब होता है विलिंगली, विलिंगली, विलिंगली का मतलब अपनी इच्छा से, जैसा चाहो वैसे, कोई जोर दबाव नहीं, ठीक है, विदाउट, विद नो कंट्रोल, ठीक है, बिना किसी के कंट्रोल के, मतलब बिना किसी जोर दबाव के, बिना किसी कंट्रोल या उसके, ठीक है, तो ये इनके मतलब होते हैं। फ्रीली का मतलब अपने तरीके से स्वतंत्र, थिंक फ्रीली, आजादी से सोचो, कोई मतलब लिमिट नहीं है, विदाउट एनी कंट्रोल और लिमिट। जो मैं आपको बता रहा था कि फ्री और फ्रीली में ये डिफरेंसेस होते हैं, है ना। अब ये जो हमें ब्लैंक्स हैं फिल करने, एक बार इनमें ध्यान से हम लोग देखें तो इस ब्लैंक में हमें एक एडवर्ब चाहिए, इस ब्लैंक में भी हमें एक एडवर्ब चाहिए, इस ब्लैंक में हमें एक एडजेक्टिव चाहिए, इसमें एक एडजेक्टिव चाहिए जो इस नाउन फ्रेज में, ये जो नाउन स्टेट है इसको डिस्क्राइब कर दे, ठीक है। यहाँ पे हमें एक एडवर्ब चाहिए जो इस वर्ब कैन वर्क को डिस्क्राइब कर दे, यहाँ पर भी हमें एक एडवर्ब चाहिए जो इस वर्ब हैज गिवन को डिस्क्राइब कर दे। तो ये जो हमें तीन क्वेश्चन दिए गए ना बच्चे, इन तीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमें जरूरत है एडजेक्टिव की। अब जिसमें एडजेक्टिव की जरूरत है उसमें तो आप फ्री लिख ही दो, क्योंकि फ्रीली तो एडजेक्टिव होता नहीं है, तो जहां पर एडजेक्टिव की जरूरत है वहां तो आप फ्रीली फ्री लिख ही दो, कंफर्म हो गया कि फ्री आएगा जहां एडजेक्टिव की जरूरत है। अब जहां एडवर्ब चाहिए वहां आपको मीनिंग देखना पड़ेगा कि अगर मुफ्त वाली बात हो रही है, बिना किसी पेमेंट के, बिना किसी प्राइस के, ऐसा कोई भाव है तब तो आप फ्री यूज कर लो। लेकिन अगर मीनिंग ये हो कि विलिंगली, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, ठीक है, विदाउट एनी लिमिट और कंट्रोल, बिना किसी बाहरी कंट्रोल या लिमिट के, ठीक है, तो फिर आप फ्रीली यूज कर लो। तो देखो, ही हैज़ गिवन मी दिस वॉच, कि उसने ये वॉच मुझे दी है, कैसे दी है, पैसे लिए हैं, कुछ बदले में लिया है, ठीक है, ये मुफ्त दी है, तो यहाँ पे जगह फ्री। द पेंडुलम वॉज हैंगिंग इन द, नहीं अच्छा ये तो हो गया, यू कैन वर्क डैश हियर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। अब हम किसी पर्सन से कह रहे हैं कि भाई आप अपने तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हो बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी डिस्टर्बेंस का मतलब अपनी मर्जी से, जैसे आप करना चाहते हो वैसे काम करिए, कोई जोर दबाव नहीं है कोई, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रीली। तो ये फ्री और फ्रीली है ना, इनका भी ध्यान रखेंगे, आगे आ जाइए। अब हम क्या करते हैं, एक बार ये जो हमारे वर्ड्स हैं इनका डिफरेंस समझ लेते हैं, एक मिनट बच्चों, ये जो हमारे वर्ड्स हैं ना, हम एक बार क्या करते हैं जल्दी से इनका डिफरेंस समझ लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, और फिर उसके बाद में ब्लैंक्स फिल कर देंगे। देखो, ये जो मच वर्ड है बच्चे, कैन बी यूज्ड विद वर्ब्स एंड नाउंस, ठीक है, कैंट बी यूज्ड विद वर्ब्स
एंड नाउंस। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि मच जो होता है वर्ड, ये डिटर्मिनर भी होता है, मच है मैनी है, डिटर्मिनर्स भी होते हैं, तो इनका यूज हम नाउन के साथ भी कर सकते हैं, बाकी एडवर्ब भी होते हैं, ठीक है। वेरी जो है ये डिटर्मिनर नहीं होता, तो इसका यूज हम नाउन्स के साथ में नहीं करते, ये ध्यान रखना है। बाकी दूसरी बात यह है कि जो मच है उसको हम वर्ब्स को डिस्क्राइब करने के लिए कर सकते हैं यूज। वेरी जो होता है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब्स की इंटेंसिटी को शो करता है, वर्ब के लिए नहीं यूज हो सकता, कुल मिला के वो वर्ब के लिए नहीं यूज होता। तो मच का यूज हम वर्ब के साथ भी कर सकते हैं, वेरी का यूज वर्ब के साथ नहीं कर सकते। तो पहला तो डिफरेंस मच और वेरी में हमें ये ध्यान रखना है कि मच का यूज वर्ब्स और नाउन्स के साथ भी किया जा सकता है, एडजेक्ट और वेरी का यूज वर्ब्स और नाउन्स के साथ नहीं होता, वेरी का यूज केवल एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ होता है, एक डिफरेंस हो गया। दूसरा, मच जो होता है इसका यूज हम कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स के साथ में करते हैं, मतलब कोई जरूरी नहीं करना है लेकिन कर सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्रीज के जो एडजेक्टिव एडवर्ब्स होते हैं उनके साथ, ठीक है। लेकिन वेरी का यूज केवल पॉजिटिव डिग्रीज के साथ किया जाता है, पढ़ा भी था एडजेक्टिव में, अगर ध्यान रहो एस सो टू वेरी एनफ, इनका यूज पॉजिटिव डिग्री के साथ में करना है। तो वेरी जो है इसका यूज हम करते हैं पॉजिटिव डिग्रीज के साथ में, मच का यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ में, हालांकि मच का पॉजिटिव के साथ भी कर सकते हैं, वेरी का कंपैरेटिव के साथ में नहीं करते, एक ये ध्यान रखना है। एक और बात जो ध्यान रखनी वो ये कि जो पास्ट जो पार्टिसिपल्स होते हैं, पार्टिसिपल्स का मतलब जो वर्ब फॉर्म्स एडजेक्टिव्स का काम करते हैं, अगर उनके साथ हमें मच और वेरी का यूज करना पड़े तो मच का यूज हम करते हैं पास्ट पार्टिसिपल्स के साथ में। पास्ट पार्टिसिपल्स जो होते हैं वो वर्ब के थर्ड फॉर्म होते हैं जो एडजेक्टिव काम करती हैं, ठीक है। वेरी का यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के साथ में, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स जो हैं वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म्स होती हैं जो एडजेक्टिव काम करती हैं। तो ये बातें हमें वेरी और मच को लेकर ध्यान रखनी है कि पास्ट पार्टिसिपल्स जो वर्ब के थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव काम करती हैं, एक मिनट, कि पास्ट पार्टिसिपल्स जो वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव काम करते हैं उनके साथ वेरी यूज करना है, मच यूज करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स जो वर्ब की फॉर्म से एडजेक्टिव का काम करते हैं आईएनजी फॉर्म, उनके साथ वेरी यूज करना है, कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ में मच यूज करना है, पॉजिटिव डिग्री के साथ में वेरी यूज करना है। नाउन्स और वर्ब के साथ यूज करना हो तो मच का यूज कर सकते हैं, वेरी का यूज नाउन्स और वर्ब्स के साथ में नहीं कर सकते। तो ये जो मैंने आपको डिफरेंस बताया है मच और वेरी में, इस डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए अब ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। देखो, he feels that better now, तो ये comparative degree है, comparative degree से वेरी नहीं आएगा, तो यहाँ पे लिखो much, he feels much better now, they didn't have dash experience then, अभी experience word noun है, ठीक है, तो noun के साथ में हम determiner use कर सकते हैं, very determiner होता नहीं है, तो यहाँ पे वेरी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा much, much determiner भी होता है, तो हम लिख देंगे they didn't have much experience then। फिर हमने लिखा वी आर डैश हैप्पी विद योर रिजल्ट, अभी जो हैप्पी हमने लिखा है पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री के साथ में हमें वेरी यूज करना है, तो हमने वेरी यूज कर दिया। फिर हमने लिखा हिज यंगर ब्रदर टॉक्स, अब टॉक्स वर्ब है, वर्ब के साथ में हम वेरी का यूज नहीं कर सकते, एडवर्ब का यूज करते हैं उसे डिस्क्राइब करने के लिए, तो यहाँ पे लिख दो मच, ही टॉक्स मच, बहुत बात करता है। ही वॉज डैश ह्यूमिलिएटेड, अभी जो ह्यूमिलिएटेड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो एडजेक्टिव काम कर रही है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, और एंटरटेनिंग जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म है प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो पास्ट पार्टिसिपल के साथ में मच लिखिए, ठीक है, और एक मिनट, पास्ट पार्टिसिपल के साथ में मच लिखिए, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ में वेरी लिखिए, तो ये हमारे आंसर्स हो गए, ठीक है। He feels much better now. They didn't have much experience then. We are very happy with your result. His younger brother talks much. She was much humiliated there. The story he told us was very entertaining. जो हमने लिखा है, एक tired, ये verb की third form है past participle. Admired भी है past participle. लेकिन इनमें एक difference है, बड़ा difference है, क्या है? Tired जो है ना ये action है. पास्ट पार्टिसिपल है लेकिन इसमें कोई ना कोई डूअर होगा, किसी ने काम किया होगा इनको एडमायर करने का, मतलब इनकी प्रशंसा किसी ने की होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो टायर्ड है ना वो स्टेट है,
अवस्था है, किसी ने इसको थकाया नहीं होगा, थका हुआ होना इसकी स्टेट है। तो ये एक बारीक सा डिफरेंस है, अगर हम समझ पाए, कोई ऐसी बड़ी बात तो है नहीं, आसानी से समझा जा सकता है कि भाई थकाता थोड़ी है कोई हमें, थकते तो हम अपने आप हैं। तो थका हुआ होना हमारी स्टेट है, अवस्था है, ठीक है। लेकिन जो एडमायर्ड है वो एक एक्शन है जो हमारे ऊपर किया गया, कोई रहा होगा जिसने हमें एडमायर किया है, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा रहा नहीं होगा जिसने हमें थकाया हो। तो ये जो पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं ना, कुछ पास्ट पार्टिसिपल्स बच्चों ऐसे होते हैं जो हमारी फिजिकल या मेंटल स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं, वो एक्शंस नहीं होते हैं, उनका कोई डूअर नहीं होता है, ऐसा नहीं होता किसी ने हमारे पर वो काम किया। जैसे यहां देखो, इससे पहले जो एग्जांपल हमने लिखा था ना, ह्यूमिलिएटेड, तो ह्यूमिलिएटेड एक एक्शन है, किसी ने इसको ह्यूमिलिएट किया है। ह्यूमिलिएट करना मतलब किसी के साथ कुछ ऐसा करना कि वो अपमानित या शर्मिंदा महसूस करे, तो ह्यूमिलिएट किसी ने इसे किया होगा, तो ह्यूमिलिएट किया जाना एक्शन है, लेकिन टायर किया जाना एक्शन नहीं है, वो स्टेट है, अवस्था है। तो जो पास्ट पार्टिसिपल्स स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं उनके साथ में हम वेरी का भी यूज कर सकते हैं। मच का तो कर ही सकते हैं, वो तो पहले ही बता दिया, लेकिन हम यहाँ पे वेरी का भी यूज कर सकते हैं, और हमें वेरी ही प्रेफर करना भी चाहिए। बाकी जो पास्ट पार्टिसिपल्स स्टेट नहीं डिस्क्राइब करते हैं, एक्शन होते हैं, उनके साथ में तो हमें मच का ही यूज करना चाहिए। तो ये एक छोटी सी बात हम और ध्यान रख पाए, अच्छा रहेगा। ज्यादातर जो पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं वो एक्शन ही होते हैं, ठीक है। केवल कुछ ऐसे पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं जो हमारी मेंटल फिजिकल स्टेट वगैरह को डिस्क्राइब करते हैं, तो उनके साथ में हम वेरी का यूज कर सकते हैं। जैसे देखो, जैसे देखिए, ये हमने लिखा टायर्ड है, एग्जॉस्टेड है, अशेम्ड है, एम्बेरेस्ड है, शॉक्ड है, सरप्राइज्ड है, ठीक है, सरप्राइज्ड है, शॉक्ड है, ठीक है। और इस तरीके से हमारी मेंटल फिजिकल स्टेट को डिस्क्राइब करने वाले एडजेक्टिव्स हों जिनमें कोई बाहरी डूअर ना हो, मतलब कोई ऐसा पर्सन ना हो जिसने वो काम हमारे ऊपर किया हो, ऐसा ना हो। सरप्राइज होना, ये हमारी स्टेट है, ठीक है, शॉक्ड है, सरप्राइज्ड है, एस्टोनिस्ड है, बिविल्डर्ड है, एटसेट्रा। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो कि ऐसे पास्ट पार्टिसिपल्स जो कि हमारी स्टेट डिस्क्राइब करते हैं, ना कि कोई एक्शन जो हमारे ऊपर किया गया हो, तो उनके साथ में हम वेरी का भी यूज कर सकते हैं, और वेरी का ही यूज प्रेफर करना भी चाहिए। चलो।